तो दो एक जो है ना मैंने अभी पानी के अंदर डालकर आ गया हूँ, सुरक्षित डाल दिया उसके अंदर ना। तो मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों को भी साथ साथ आज छोटा सा ये व्लॉग भी बन जाए कि हम जो यानी कि मर्द हजरात हैं वो यानी कि इस तरह के काम किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते चलें। तीन कोट जो है ना मैंने आज वॉश करने हैं, ठीक है, तीन कोटों को मैंने धोना है। एक जो अभी मैं निकाल के लेकर आया हूँ, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके कवर के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया। ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो ये भी मैं धोऊंगा। तो एक जो है मैंने भगोया हुआ, जो पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा भी होगा, ब्राउन कलर का ना, तो एक जो है बाहर मैंने रखा हुआ मशीन के ऊपर, ये अभी मैंने निकाला है। निकालने के बाद इसको भी मैं लेकर जाऊंगा, इसको भी वॉश करूंगा। तो आज हम दिखाते हैं कि हम अपने काम किस तरीके से मत करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना है, और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें यार, और कमेंट्स के अंदर बताया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। जहाँ हौसला अफजाई की बात आती है वहाँ पर आप पीछे भाग जाते हैं यार, उसके अंदर जो है कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई तो कर दिया करें यार, कैसी वीडियो हमारी लग रही है आपको, ठीक है। तो चलते हैं आज की। ये ब्राउन वाला जो पिछली वीडियो में आपने देखा था ना, ये मैंने वो सर्फ के अंदर जो है डुबो दिया, सर्फ एक्सेल के अंदर। ये देखें मिट्टी की हालत, देखें आप कितनी मिट्टी है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। तो इसको मैं वॉश करूँगा। दूसरा कोट ये वाला है, इसकी जो हालत ज़्यादा नाजुक है, ये देखें मिट्टी इस पर पड़ी हुई चिखाती है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था पिछली बार जो है ना, पिछली सर्दियों के अंदर। ये देखें मिट्टी देखें इसके ऊपर। जी कलर है इसका, कलर में ज़्यादा भी मेल की मिट्टी लगी हुई थी, इसको हल्का हल्का जो है ना उन्हें ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का इसको ऐसे फिर मिट्टी साफ करना, पर जो मैल है ना हमने मैल को उतारना हल। इसको हम निकाल देंगे अच्छी तरीके से, पानी को चेंज करके दूसरा जो कोट है वो इसमें डाल देंगे, नया पानी डाल देना। इसको बाल्टी वाले पानी में अच्छे से जो डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो सड़क वाला पानी है ना वो निकल जाए। पानी चेंज कर रहा हूँ दूसरे कोट के लिए, इसमें सर्फ डालेंगे। अब इस कोट की बारी, ये देखें आप, इसकी ये हालत हुई पड़ी है मिट्टी के साथ। इसको हम छोड़ देते 15 से 20 मिनट के लिए ना, कि बाद में इसकी जो मेल वेल है उसके ऊपर हम बुरिश मार लेंगे, अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे उसको ना। इसकी ये जो मुड़े वगैरह है ना, यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर जो है आगे फ्रंट वाले हिस्से के अंदर भी इन्होंने ना भूकंप लगाई हुई होती है, भूकंप टूट जाएगी, उखड़ जाएगी, दबाना बिल्कुल नहीं, इसको प्रेस नहीं करना, इसके अंदर डाल के वो छोड़ देना है खाली, ठीक है। और सीधे बाद में जो है ना ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी के ऊपर बुरिश जो है कपड़े धोने वाला, इसको यहाँ पर आपने मारना, ठीक है, सिर्फ मेल साफ करने के लिए हल्का हल्का नरम वापस है ना, सदा तो आपने बिल्कुल भी नहीं इसको मारना, खराब हो जाएगा। और हमारा जो है दोनों धुल चुके हैं, तीसरा जो है ब्लैक वाला था वो क्योंकि साफ़ था, उसकी कंडीशन ठीक थी, साफ़ थी, उसको जो है ना मैंने नहीं धोया। इस प्रोसेस के बाद हम उसको हैंगर करेंगे। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना हमारा, उस पोर्शन के अंदर ये हम जो है ना ऊपर कपड़े लटकाते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ये खोल जो मैंने धोए हैं ना ये यहाँ पर लटकाए हैं, ठीक है। तो आज फ्री था, घर था, तो यही मौजूद था मेरे बाद, मैंने कहा आज जो है ना वीवर कोड वगैरह भी धो लें, और जो हमारे देखने वाले हैं चाहने वाले हैं हमें उनके साथ भी हमारा जो रबता ना कटे आज के दिन का ना, तो इस हवाले से जो है ना ये फिर मैंने फौरी तौर पे। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कोड लटके हुए हैं और धूप इंतहाई तेज़ है, ठीक है, और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ, उम्मीद है कि शाम तक जो है ना ये 3-4 घंटे के अंदर उम्मीद है कि सूख जाएंगे। ऊपर वाली जो है ना पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जो है ना अपना घर का टूर कराया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको जो है हमारी आज ये जो कोर्ड हुए हैं वीडियो पसंद आएगी,
अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने जो है ना मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट्स कर दिया करें। फिर भी कह रहा हूँ, कमेंट्स से, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है ना, और हम जो है ना मज़ीद कोशिश करते हैं कि यार अपनी वीडियोज़ के अंदर बेहतरी लाएँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ तआवुन क्या करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।